हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। स्किन केयर की सीरीज में अब मैं आज आपके साथ बात करूंगी स्किन टोनर और स्किन सीरम की। स्किन को अगर हेल्दी रखना है तो हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, क्लीन रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। अगर आपकी डाइट सही नहीं होगी तब भी स्किन खराब हो सकती है, तो डाइट के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी भी मस्ट है, क्योंकि उससे एक तो हमारा शरीर ठीक रहता है और जितना शरीर ठीक रहेगा उतनी स्किन भी ठीक रहेगी। हम खुशी महसूस करते हैं जब हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारे हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। और अगर हार्मोन हैप्पी रिलीज होंगे तो हम भी हैप्पी होंगे ना, और स्किन भी हैप्पी होगी। तो अपने स्किन को हैप्पी रखने के लिए थोड़ी सी उसकी हम मदद भी कर देते हैं। उसी के लिए आज मैं बनाऊंगी टोनर, जैसा कि मैंने बताया, और साथ में बनाऊंगी सीरम। इनका रेगुलर यूज करना है, खूबसूरती, स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, चाहे कोई भी हेल्थ हम लेते हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई एक पिल खा ली और उससे हम ठीक हो जाएंगे और उससे हमारी स्किन ठीक हो जाएगी, उससे हमारे बाल ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम उसको मेंटेन रख सकते हैं, उसको हम प्रॉब्लम फ्री रख सकते हैं। आज मैं जो बना रही हूँ ये विटामिन सी सीरम है, विटामिन सी टोनर है। विटामिन सी आप जैसे जानते हैं कि ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, और अगर हमारी स्किन से फ्री रेडिकल्स हट जाते हैं जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो हट जाते हैं, तो स्किन अपने आप हेल्दी हो जाएगी। क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है तो स्किन के लिए अच्छा होगा ही होगा। तो चलिए बना लेते हैं इसे। तो ये स्किन टोनर बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए ऑरेंज यानी कि संतरा। आजकल संतरे का खूब सीज़न आया हुआ है, बहुत अच्छे संतरे मिलते हैं। ये ग्रीन कलर का है लेकिन फ्रेश फ्रूट है। आप ऑरेंज कलर का अगर आपको मिलता है वो भी ले सकते हैं, कोई भी संतरा मतलब लेना है आपको। और उसको छील के पहले हम उसके छिलके को यूज़ करेंगे। किसी भी फ्रूट का जो छिलका होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स फ्रूट से भी ज़्यादा होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। तो इस संतरे को हम खाएंगे, वो न्यूट्रिएंट हम खाने के थ्रू लेंगे, और इस छिलके को हम अपने स्किन के ऊपर यूज़ करेंगे, तो ये न्यूट्रिएंट हमें इस तरीके से यूज़ करने से मिलेंगे। अब संतरे के छिलके को लेने के बाद इसके छोटे छोटे पीस मैंने कर दिए हैं, क्योंकि हमें इसको पानी में इन्फ्यूज़ करना है। जितना छोटा पीस बनेगा उतना इन्फ्यूज़ ज़्यादा अच्छे से होगा। और ये काटने के बाद, हाँ, ये ध्यान रखें आप इसको ग्लास बाउल में ही रखें, स्टील में या प्लास्टिक में ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ग्लास के बाउल में रखना है। और अब इसके ऊपर काटने के बाद हम एक गिलास खूब गर्म करके वो पानी इसमें डाल देंगे। इसको बॉयल नहीं करना है, लेकिन बॉयल किया हुआ पानी इसमें हम डालेंगे और उसको ढक के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि संतरा जो है वो विटामिन सी रिच होता है, और विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये जब खाया तो भी फ़ायदा करेगा और जब लगाया तो भी फ़ायदा करेगा। ये पोर्स को अनक्लोग करेगा। अगर किसी को ब्लैक हेड है, वाइट हेड है, पिगमेंटेशन है, एक्ने के मार्क्स हैं, या चेहरे पर कोई और स्कार्स हैं, कोई और निशान है, तो उन सबको भी ये लाइट करके स्किन टोन से मिला देगा। ब्लैक हेड को ख़त्म कर देगा, वाइट हेड को ख़त्म करेगा, निकालने में मदद करेगा, और स्किन के टोन को हल्का सा लाइट करेगा, मतलब स्किन को हल्का सा ब्राइट भी करेगा, टोन को भी निखारेगा। ये एक नेचुरल क्लिंजर का और एस्ट्रेंजेंट का काम करेगा, तो इसलिए ये एक बेस्ट टोनर बनेगा। अब हमने इसको इस तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। तब तक मैं इसकी अगर और बात करूँ तो इसमें विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होने के कारण ये कोलेजन और इलास्टिन को बढ़ाता है, और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारी स्किन की खूबसूरती के लिए मस्त हैं, बहुत अच्छा करती हैं, स्किन को यूथफुल रखती हैं, उसको ब्राइट करती हैं। इनमें मिलने वाला जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, और जब वो प्रोसेस स्लो डाउन होगा तो रिंकल्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए मैंने इस तरीके इसको ठंडा होने के बाद छान लिया है, और बस इसको स्प्रे बॉटल में डाल के ये आपका टोनर जो है वो तैयार हो गया। इसको दिन में दो बार तो यूज़ करना ही है, सुबह और शाम, आप ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको यूज़ करने के इमीडिएटली बाद धूप में ना जाएं,
तो इसका असर कम हो जाता है। आप इसको जब घर में रहते हैं तब इसको यूज़ करें, बाहर जब जाते हैं तो आप सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं तो वहाँ यूज़ नहीं करना है, आपने इसको घर में यूज़ करना है। तैयार हो गया। इसी तरीके से आप दूसरी वेजिटेबल्स का मैंने बताया कि आप कुकुम्बर से बना सकते हैं या आप बीटरूट से बना सकते हैं, दूसरी वेजिटेबल से भी ऐसे ही बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने में आपको सिर्फ स्प्रे करना है, उसको पैट करना है, मसल के रगड़ के पहुँचना नहीं है, अपने आप उसको सूखने देना है। ये इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्किन को सैगी नहीं होने देता, स्किन को टाइट रखता है, ये इसकी बहुत ख़ास बात है क्योंकि इसमें विटामिन सी काफ़ी मात्रा में है। अब हम बनाएंगे विटामिन सी रिच स्किन के लिए सीरम। उसमें हमको चाहिए एलोवेरा जेल और संतरे के छिलके का पाउडर, यानी कि ऑरेंज पील पाउडर। ये आप पाउडर घर में बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है और आसानी से बनता है। बस करना इतना है कि उसको पीसने के पहले संतरे के छिलके सुखा लें, फिर उसको पीस लें और पीसने के बाद उसको एक बारीक छलनी से छान लें, वो बहुत अच्छा पाउडर बन जाता है। नहीं तो ये मार्केट में भी मिलता है, तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ये आपको ब्यूटी स्टोर्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। आजकल संतरे का सीज़न है, आप दबा के संतरे खाएं और वो छिलके को आप संभाल के रखें, सुखा लें और उसको पीस के पाउडर बनाएं, तो साल भर आपका ये ऑरेंज पील पाउडर काम भी आ सकता है। ये बहुत सारे फेस पैक्स वगैरह में डालते हैं, इसको मुल्तानी मिट्टी के साथ भी डाल के फेस पैक बना सकते हैं और फेस पैक में भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हमने एलोवेरा जेल और ऑरेंज पील पाउडर को मिलाया, लेकिन ये बहुत ठीक हो गया, तो इसमें फिर थोड़ा सा रोज़ वाटर मिलाया, क्योंकि हम ये एक सीरम बना रहे हैं जो आराम से आसानी से अप्लाई होना चाहिए। जितना हमें ज़रूरत है उतना इसमें रोज़ वाटर और मिला लेंगे। रोज़ वाटर और एलोवेरा जेल, ये दोनों ही चीज़ें स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। एलोवेरा तो स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है, उसको ड्राई नहीं होने देता है, और जितनी स्किन मॉइस्ट रहेगी, जितनी स्किन हाइड्रेट रहेगी, उतना उसका ग्लो भी बढ़ता है, उसकी खूबसूरती भी बढ़ती है और जो स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। अब ये आपका सीरम बन के तैयार हो गया। ये आप इसको सोने से पहले लगा लें और उसके बाद आधा घंटा चेहरे पर रखने के बाद सादे पानी से चेहरा धो के सो जाएं। ये सुबह तक जब आप देखेंगे तो आपके चेहरे पर बहुत अच्छा एक वंडर इफ़ेक्ट जिसको कहते हैं वो इफ़ेक्ट देगा। स्किन बहुत सॉफ्ट महसूस होगी और स्किन रिजुविनेट होगी, एक नया उसमें ताजगी आएगी, सॉफ्ट रहेगी, शाइनी रहेगी और आपको थैंक यू बोलेगी क्योंकि आपने स्किन की इतनी हेल्प की है उसको फ्रेश रखने के लिए। आप ये दोनों चीज़ें लगातार यूज़ करें, हाँ लगा के धूप में ना जाएं, ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तो ये था स्किन टोनर और स्किन सीरम। कुछ लोग अब जरूर ये लिखेंगे कि आपने इसमें टोनर बनाते टाइम छिलके के साथ आपने गर्म पानी डाल दिया तो उसका विटामिन सी तो खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, हमने उसको बॉयल नहीं किया है, काट के उसके छोटे टुकड़े किए और उसके ऊपर गर्म पानी डाल के उसको इन्फ्यूज किया है और ठंडा होने के बाद उसको हम यूज करेंगे। इससे विटामिन सी उसका खत्म नहीं होगा, कुछ 1% शायद खत्म हो जाए बट बाकी उसमें इंटैक्ट रहेगा और उसको जब आप यूज करेंगे तो आपकी स्किन को पूरे पूरे फायदे मिलेंगे। इसी तरीके से सीरम में भी सब उसके न्यूट्रिएंट इंटैक्ट हैं जो सिर्फ फायदा ही करेंगे, नुकसान कोई नहीं करेंगे। अब क्योंकि विंटर सीजन है संतरे तो बहुत आराम से मिल जाएंगे, तो अभी आप फ्रेश से बनाएं और बाद के लिए गर्मियों में जब संतरा नहीं होता है उसके लिए आप इस संतरे के छिलके को सुखा के रखें, उसका पाउडर बना के रखें, आप इसको बाद में यूज कर सकते हैं। तो है ना, संतरा आप खाएं, आपकी हेल्थ बनी, छिलके को बचा के रखें अपनी स्किन की हेल्थ के लिए। तो चलिए इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ, कुछ और नए रेमेडीज के साथ फिर आपसे बात करूंगी। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसको भी लाइक करें, क्योंकि वो जो छोटी छोटी स्टोरीज हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज एंड एजुकेशनल स्टोरीज, दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट और मैं चाहती हूँ कि उनसे मिलने वाली छोटी छोटी सीख बहुत लोगों तक पहुंचे। और वो तभी संभव है जब आप लोग मदद करेंगे, आप मेरे वीडियोज को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ बांटेंगे, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो इस कोशिश में मेरी मदद कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए।